हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करेंगे कि शायद एक्समैन एमसीयू के सीक्रेट वॉर्स में नहीं आएंगे। तो अभी यही बात चल रही है कि पहले से एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते एमसीयू 2025 तक म्यूटेंट्स को यूज़ नहीं कर सकता अपने किसी भी प्रोजेक्ट में। मतलब फॉक्स ने जो म्यूटेंट्स ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं वो तो आ सकते हैं क्रॉस ओवर्स के लिए, पर उनमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया जा सकता। और इसलिए शायद एमसीयू ने कमाला को म्यूटेंट बना दिया कोई भी दूसरा एक्समैन इंट्रोड्यूस करने से पहले। अब डिज्नी इतनी बड़ी कंपनी है कि पैसे वगैरह दे के वो ये कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर सकती है, पर अभी उस चीज पर कोई बात नहीं हुई है। इसका सीधा सा मतलब है मल्टीवर्स सागा के बाद ही एक्समैन एमसीयू में आएंगे, यानी फेज 7 में। अब सीक्रेट वॉर्स ऑलरेडी एक बड़ा इवेंट है, चाहे एमसीयू में कॉमिक जितना बड़ा ना हो फिर भी एंड गेम से तो बहुत बड़ा होने वाला है। और जैसे रूमर्स हैं कि रायमी यूनिवर्स भी इसमें मिक्स होने वाला है और ओरिजिनल एवेंजर्स के वेरिएंट्स भी दिख सकते हैं, तो सीट्स ऑलरेडी भर चुके हैं कैरेक्टर्स की। फिर भी एक्समैन के बिना सीक्रेट वॉर्स बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड लगेगी, क्योंकि कुछ पावर हाउसेस म्यूटेंट्स में भी तो हैं। अब इससे फैंस का तो कोई फायदा नहीं है, पर एमसीयू का फायदा जरूर है कि उन्हें कम कैरेक्टर से डील करना पड़ेगा मूवी में और इससे रन टाइम भी ज्यादा नहीं होगा और जो मैच्योर एक्समैन कैरेक्टर्स हैं उन्हें भी किड फ्रेंडली नहीं बनाना पड़ेगा। पर मैं तो यही चाहता हूं कि डिज्नी सीक्रेट वॉर्स को चाहे डिले कर दे पर हमें एक म्यूटेंट्स मूवी दे दे और सीक्रेट वॉर्स में म्यूटेंट्स को भी इंक्लूड किया जाए, चाहे वो फॉक्स वाले ही क्यों ना हो, क्योंकि फॉक्स वाले यूनिवर्स को लेके ये अभी भी फिल्म बना सकते हैं। फिर चाहे सीक्रेट वॉर्स के बाद एक्टर्स वगैरह चेंज कर दे जब कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाएं तब। बाकी आओ बताता हूं कि एमसीयू की सीक्रेट वॉर्स कैसी होगी अगर वो कॉमिक जितनी बड़ी नहीं हुई तो। तो इसका एक आइडिया मैं ये दे सकता हूं कि जो कैंग डायनेस्टी कॉमिक थी उसमें एक्चुअली कैंग जीता था, और हम तो ये जानते ही हैं कि कैंग डायनेस्टी इन्फिनिटी वॉर की तरह सीक्रेट वॉर्स का ग्राउंड सेट करेगी। तो ऐसा हो सकता है कि कैंग जीत जाए, मिलियंस ऑफ लोग मारे जाएं, इनकर्जन के चलते कुछ मल्टीपल यूनिवर्सेस खत्म भी हो जाएं, तब अपना डॉक्टर डूम कैंग को हरा कर उसकी जगह ले ले और वो सीक्रेट वॉर्स करवाए सभी हीरोज और विलन्स को लेके। और क्योंकि सीक्रेट वॉर्स का मतलब यही है कि मल्टीवर्स का खात्मा और दोबारा मल्टीवर्स बनाना, तो इससे ना ही सिर्फ एमसीयू को न्यू कंटेंट मिलेगा पर चूंकि सोनी का वेनम वर्स भी मल्टीवर्स में आता है तो वो उसे भी फिक्स कर सकते हैं, यानी जो रायता सोनी ने फैलाया है ना उसे साफ अभी भी किया जा सकता है। बट ये जरूर याद रखना कि सम से दैट वॉज इन्फिनिटी सागा टाइम एंड सम से नाउ इट इज मल्टीवर्स सागा टाइम, बट वी ऑल नो दैट एवरी टाइम इज मॉर्बिन टाइम। हाँ जी, तो अभी तक फेज 6 में बहुत सारे प्रोजेक्ट अनाउंस होने बाकी हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी डेडपूल 3 और एक म्यूटेंट्स प्रोजेक्ट मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। वैसे सच कहूँ तो इस यूनिवर्स इरेजर और रिस्टोरेशन के नाम पे ना एमसीयू एक्समैन फ्रेंचाइजी वाली गड़बड़ियों को आसानी से मिटा सकता है। हम जानते हैं कि फॉक्स के एक्समैन में दो सेपरेट टाइमलाइंस बन गए थे, तो उसमें से एक जो फक्ड अप टाइमलाइन है उसे एमसीयू पूरी तरह इरेज कर सकता है इस मल्टीवर्स सागा में और डेडपूल वाले को एज इट इज उठाकर ले आए। और मैं तो कहूंगा कि इस मल्टीवर्स सागा का फायदा उठा के सोनी को एंड्रू के स्पाइडी के साथ लाइव एक्शन स्पाइडर वर्स शुरू कर देना चाहिए। नाउ लेट्स सी क्या होता है। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे हमने आपको कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए कि एक्समैन कब आ सकते हैं और इस मल्टीवर्स सागा में एमसीयू क्या-क्या कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपका क्या ख्याल है इस नए मल्टीवर्स सागा को लेके। और ऐसे सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।